Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with a new video. I know कि मैंने बहुत time से कुछ डाला नहीं है, but मैंने नहीं डाला उसका भी एक reason था, because मैं बहुत time से busy थी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में. जिनको नहीं पता उनके लिए just an update कि मैंने चितकारा university में admission लिया है, and मैं just अभी college से ही वापस आई हूँ. एंड वहाँ पे थोड़ा सीन है लाइक अटेंडेंस का. एंड मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जिसमें काफ़ी लाइक स्टडी का काफ़ी प्रेशर रहता है, प्रेजेंटेशंस एंड अटेंडेंस का तो इशू है ही वहाँ पे. सो उन सब चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं कुछ डाल नहीं पा रही थी. बट फाइनली आई गॉट सम टाइम एंड आई थॉट कि मैं एक वीडियो डालूँ. सो हमारे हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं. आज हमारा विजिट था पारस हॉस्पिटल में, पंचकुला में. सो मैंने जब अपने टाइम पे सर्च किया था MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में, मुझे यूट्यूब पे ना बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी हॉस्पिटल विजिट या कुछ भी. सो मैंने सोचा कि मैं ही डाल दूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स आगे जाके ये कोर्स करना चाहते हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़. एंड अगर आप चितकारा से करना चाहते हो, कहीं से भी करना चाहते हो और आपको कुछ भी इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मैं उसी पे फिर वीडियोस बना दूँगी. मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं व्लॉग अच्छे से बना पाऊँ, बट उधर हॉस्पिटल में स्ट्रिक्ट होते हैं तो वहाँ वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. बट स्टिल मैंने कुछ कुछ क्लिप्स बनाई हैं तो मैं वो डाल रही हूँ. और आप देख, इसमें आप पता कर सकते हो कि कैसे एक हॉस्पिटल विजिट होता है एंड कैसे चितकारा आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है. लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड देखते हैं कि हमने कैसे चितकारा यूनिवर्सिटी से पारस हॉस्पिटल तक पूरा हमने विजिट किया. लेट्स गो. हियर द जर्नी बिगिंस. हम हॉस्पिटल जाने के लिए पूरा रेडी थे बस में बैठ के. देन जैसे ही हम बस से उतरे, हमने बाहर थोड़ा टाइम वेट किया ताकि सब बच्चे आ जाएं, बिकॉज काफ़ी बसेस गई थी. देन हम यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए. वी वो वेरी एक्साइटेड कि अंदर क्या होगा. हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम तक जाग चुकी थी, इसलिए हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. इस हॉस्पिटल में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, बट हाँ कुछ रूम्स हम नहीं देख पाए बिकॉज वो देखना अलाउड नहीं था, वहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं था. देन हमने अंदर एंटर किया एंड एंटर करते ही हमने काफ़ी सिक्योरिटी, पेशेंट्स, काफ़ी कुछ देखा, जिसकी वजह से हम और एक्साइटेड हो गए. ये हमारा सेकेंड विजिट था इसलिए हमें थोड़ा आइडिया था कि क्या होने वाला है. देन हमने स्टेयर्स ऊपर चढ़ना शुरू किया. इट वाज वेरी टायरिंग सिचुएशन, बट हमने लिफ्ट यूज़ नहीं की बिकॉज 96 स्टूडेंट्स एक साथ ऊपर नहीं जा सकते थे, इसीलिए हम सब ने स्टेयर्स यूज़ की और हम थक के हारे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे. हमें फिफ्थ फ्लोर पर जाना था एंड दिस इज़ द ट्रेनिंग रूम जहाँ पे हमें सबसे पहले ले जाया गया. एंड यहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे चार ग्रुप्स बने हमारे एंड एक एक ग्रुप फिर पूरा टूर लेने गया हॉस्पिटल का इंस्ट्रक्टर के साथ. हमें ये सर मिले थे जो हमें बता रहे थे कि हमें पूरे हॉस्पिटल में कहाँ जाना है और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बच्चों को. हमने काफ़ी कुछ देखा. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द पारस हॉस्पिटल जो बहुत ज़्यादा सुंदर था. हमने पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया, हमने हर एक डिपार्टमेंट देखा, बट हाँ कुछ चीज़ें नहीं देख पाए बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड. हमारा पारस हॉस्पिटल का विजिट अभी जस्ट कंप्लीट हुआ और अभी हम बाहर जा रहे हैं. पूछते हैं लोगों से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. बहुत मजा. क्या क्या सीखा आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या सीखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हमने काफी कुछ देखा वहाँ पे. पेशेंट्स भी थे काफी सारे. डिपार्टमेंट्स देखे. अब चलते हैं.